हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो चलिए आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं सिर्फ पेपर और साटन के रिबन से बनने वाले तोरण, जो इन आने वाले त्योहारों में आप बनाकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा सामान नहीं लगाया गया है, सिर्फ सिंपली A4 साइज़ के जो कलर पेपर आते हैं उनकी कटिंग करके कुछ शेप्स कट की हैं और साटन के रिबन का यूज़ हुआ है। तो इसलिए ये बहुत लो कॉस्ट DIY है, जिनको बनाकर आप अपने फेस्टिवल डेकोरेशंस को अच्छे से सजा सकते हैं। तो पहले हमने हार्ट शेप लीफ कट कर ली हैं, उस पर एक रोज़ पेस्ट कर दिया है और दो पूंछ लगा दी हैं और ऐसे साटन के रिबन को साइड से मोड़ लेंगे। उसके ऊपर अब हम एक पतले वाला ग्रीन कलर का साटन रिबन लगा रहे हैं उसको और सुंदर दिखाने के लिए। तो ये देखिए, आपको ऐसे करते हुए कंट्रास्ट कलर में रिबन पेस्ट कर देना है, ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हम इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो भी हमने ये अपनी बनाए हैं इनको हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, सब जगह सेम डिस्टेंस रखिएगा और ये हार्ट शेप वाला तोरण बनके रेडी हो जाएगा। आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ये रहा इसका फाइनल लुक। अब हम पतली दो रेक्टेंगल पेपर ले लेंगे ग्रीन कलर का और उससे लीफ कट कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रीन के अलावा कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे इनको थोड़ा फोल्ड कर दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की पैटर्न वाली लीव्स क्रिएट हो गई हैं। अब हम इन लीव्स को ऐसे पेस्ट कर देंगे और उसके ऊपर ये जो सर्कल से रोज़ तैयार किए हैं उनको पेस्ट कर देंगे और ऐसे कुल 6 या 7 बना लीजिए। आप जितना लंबा आपको तोरण बनाना है उस हिसाब से ही लीव्स के पैटर्न क्रिएट कर लीजिए। और अब हम इनको ग्रीन कलर के साटन के रिबन पर पेस्ट कर दे रहे हैं, ये कुछ ऐसा लग रहा है। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप अपने पैटर्न्स पेस्ट कर लीजिए। ये बहुत सस्ते में बनने वाले और बहुत अच्छे से दिखने वाले DIYs हैं, तो आप इस दिवाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं येलो कलर के छोटे रोजेस लगा रही हूँ। और ऐसे ही करते हुए आपको बीच वाले हिस्से में लगा देना है। ये देखिए, ये रहा इसका फाइनल लुक। ऑरेंज, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो अपनी पसंद के कलर से कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट तोरण बना रहे हैं। ऐसे फोल्ड करते हुए कट कर लीजिए और आप देखेंगे कि प्यारा सा फूल बन के तैयार हो गया है। आपको ऐसे ही अलग अलग जितने भी आपको पैटर्न क्रिएट करने हैं उतने फ्लावर्स क्रिएट कर लीजिए और इसके बीच में एक ऑरेंज कलर की सर्कल पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए, एक प्यारा सा फ्लावर रेडी हो गया है। अब हम ऑरेंज कलर के पेपर से ऐसे पैटर्न वाली लीफ क्रिएट कर लेंगे और अपने पसंद के साटन के रिबन पर पेस्ट कर दीजिए। हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है और उसके साइड में दोनों साइड लीफ पेस्ट कर रहे हैं। इस दिवाली आप क्या क्या बनाने वाले हैं आप मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपको सही लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, मुझे आपके आइडियाज़ का इंतज़ार रहेगा। ऐसे वन बाय वन ऑरेंज लीव्स जो हमने कट की थी
आप उनको पेस्ट कर लीजिए और बीच में ऐसे फ्लावर्स को पेस्ट कर दीजिए। आप चाहें तो स्कूल में अगर कंपटीशन है बच्चों का तब भी आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है बनाना, छोटे बच्चे भी इसको बना लेंगे। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। अब हम दूसरा पेपर स्ट्रिप लेके उसे जिगजैग फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह का एक पैटर्न क्रिएट कर लेंगे। और ऐसे ही हम इसके साथ भी रोज़ पेस्ट करने वाले हैं, एक तरह से दिया वाली तोरण है। और ऐसे ही पूरा तोरण रेडी कर लीजिए। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आपको आज के आइडियाज़ अच्छे लगेंगे। अगर आपको आइडियाज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी मौसम बदल रहा है तो आप सब लोग अपना ध्यान भी रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।